नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। तो शुरुआत करने से पहले आपको इन प्यारे प्यारे फूलों से आपका मैं स्वागत करती हूँ। यहाँ पर बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक मैंने ये रखा है कि प्लांट होल्डर जो इंडोर में भी रख सकते हैं उन्हें कैसे बनाया जाए। तो दोस्तों, प्लांट होल्डर की शुरुआत करने से पहले मैं वैसे ही कुछ इन प्यारे फूलों को आपको थोड़ा सा एक झलक दिखाना चाहती हूँ। बहुत ही प्यारे हैं। हाँ, इसी तरह मैं आप सभी को धीरे धीरे प्लांट को कैसे केयर करते हैं, उसमें पॉटी मिक्स कैसे किया जाता है, कौन से पौधों में कितना खाद डालना है, कितनी मिट्टी यूज करनी है, कितनी कोकोपीट यूज करनी है, मैं धीरे धीरे आप सबको ये सब मैं डिस्क्राइब करूंगी अगले वीडियो में। आज ऐसे ही थोड़ा मन गया कि आपको अपने वीडियो स्टार्ट करने के पहले कुछ थोड़ा सा मेरी जो न्यूली स्टार्ट की है मैंने गार्डनिंग वो आपको दिखा दूं। नीचे नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि बारिश हो रहा है यहाँ पे। असम में तो अनसीजनल बारिश होता रहता है, इसीलिए अनसीजनल फ्लावर्स भी खिलते रहते हैं। कोई क्लाइमेट कंडीशन यहाँ पे फिक्स नहीं रहता। तो अपना वीडियो ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपको अपना प्लांट होल्डर कैसे बनाते हैं अभी आपको मैं सिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने सारे वॉल में जो हैंग कर रखे थे, प्लांट्स को तो हैंग कर रखे थे, वो सारे अभी नीचे उतार दिए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। तो आप देखिए, मैंने ये सारे कंटेनर्स कहीं बाजार से स्पेशली इनके लिए मैंने खरीद के नहीं लाई, ये मेरे को इजीली ही घर से ही मिल गए। आप लोग अगर अपने भी घर में कुछ थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको भी ऐसे बहुत सारे कंटेनर्स पड़े हुए मिलेंगे। जैसे कि आप देखिए, ये मैंने जो ये मैगी कप नूडल्स आता है उसको यूज करने के बाद ये जो उसका जो प्लास्टिक का कंटेनर रह गया उसको मैंने यूज किया है। जैसे एक और मैं दिखाती हूँ, ये छोटा सा ऐसे ही कोई कप था शायद से, मुझे याद नहीं। तो मैंने देखा ये तो ऐसे ही पड़ा है, चलो क्यों ना इसको मैं यूज कर लूं, बाद में ये देखने में भी अच्छा लगेगा, कोई काम के लिए भी आ जाएगा। और ये देखिए, ये भी एक ऐसे ही सिंपल सा एक ग्लास था, तो ये भी मुझे कहीं से मिल गया। ऐसे दो थे और एक ये, और भी काफी है जो मैं अभी नहीं लाया आपके सामने। तो सबसे पहले हाँ तो फ्रेंड्स, तो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। तो ये सबसे पहले हमने कोई भी कंटेनर लिया, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया, ये जेट का प्लांट है, इसको जो मैंने इसमें डाला है लगाया, काफी अच्छा से ग्रो हो रहा है। सबसे पहला इम्पोर्टेंट बात है कि इस कंटेनर को हर समय, कोई भी अगर आप कंटेनर ले, प्लास्टिक का हो या कोई मिट्टी के हो, हाँ टेराकोटा का हो, तो फिर सबसे पहले देखना है कि उसमें हमें एक सबसे पहले एक ड्रेनेज होल बनाना है। ये ड्रेनेज होल बनाना बहुत ईजी है। आप सोच रहे होंगे इसको मैंने कैसे बनाया, तो कोई भी एक शार्प नेल ले ले या कोई भी नुकीला कोई भी चीज ले ले, तो उसको एक तो उसको क्या करना है, गैस में उसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद धीरे से इसको यहाँ पे पुश कर देना है। पुश करने के बाद देखेंगे एक होल बन गया, बट आपको बहुत ही केयरफुली करना है। उसके बाद ये हो गया हमारा ड्रेनेज होल। उसके बाद क्या करना है, अब हमें हैंग करने के लिए ये वायर को, रस्सी को टांगने के लिए, तो हमें साइड में यहाँ पे छेद करना है। जैसे अभी मैंने जैसे बताया है उसी की तरह उस कील या कोई शार्प एज वाले चीज से गैस में गर्म करके यहाँ पे एक करिए। आपको अगर दो चाहिए तो साइड में एक और कर सकते हैं, तो उसके ऑपोजिट साइड में एक यहाँ पे करिए और एक यहाँ पे करिए। ये इसलिए किया है ताकि हम जब इसको हैंग करेंगे तो यहाँ पे हम इस रस्सी को, प्लास्टिक वायर को डाल सकेंगे। ये प्लास्टिक वायर आप कहीं से भी ले सकते हैं, घर में इजीली मिल जाता है, अगर आपके पास नहीं है तो आप शॉप से भी ले सकते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे डालिए, डाल के यहाँ पे एक छोटा सा नॉट बांध लीजिए। नॉट इसलिए ताकि ये यहाँ से निकले ना, जस्ट लाइक दिस, नहीं निकले।
और आपको जितने लेंथ में आपको चाहिए उतना लेंथ का आप इसको काट लीजिए। अगर आपको इतना चाहिए तो इतना रखिए, तो इतना चाहिए तो इतना रखिए। फिर उसके नेक्स्ट एज को यहां से डाल के जैसे वहां पे आपने एक नॉट बांधा है यहाँ पे भी एक नॉट बांधिए ताकि ये छेद से ना निकले। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो इसमें मैंने जेट का प्लांट लगाया और वैसे ही इसको भी मैंने किया है। जैसे आपको मैंने बताया ये कप नूडल्स का कंटेनर है, इसको भी मैंने यहाँ पे दो ड्रेनेज हॉल बनाया क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ पे किया है, यहाँ पे किया है, फिर इसको मैंने ऐसे बांध दिया है। तो इसे सबसे बड़ी बात बताती हूँ, ये टर्टल वाइन है ना, मैं ये कहीं से किसी घर से बस इतना सा एक छोटा सा पीस लेकर आई थी तो उसको मैंने यहाँ पे ग्रो किया है। तो आप देखिए ये कितना अच्छा लगने लगा है। बस ये 1 or 2 weeks हुआ होगा कि इतना लेंथ हो गया इसका। जब ये और भी बड़ा हो जाएगा तो मैं आप इसकी अपडेट जरूर दिखाऊंगी। तो ऐसे ही मैंने इन सभी छोटे छोटे पॉट्स को इजीली ग्रो करने के लिए टांगने के लिए ऐसे कर दिया है। और एक इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, जब भी आप इसमें ये जैसे कि प्लास्टिक है तो आपको सबसे मेन बात ये ध्यान रखना है इसकी जो मिक्सिंग है, मिट्टी की जो पॉटी मिक्स करना है उसको आप सबसे बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। इसको हमें लाइट वेट में लाने के लिए कोकोपीट ज्यादा डालकर उसके साथ सैंड, अगर आप चाहे थोड़ा सा ये हमारा गार्डन सॉइल होता है उसको मिक्स कर सकते हैं, और आप कोई भी मैन्योर इसमें मिक्स करके इसमें डाल सकते हैं। मैंने इसमें ये सूखी पत्ती की खाद डाली है ताकि ये बहुत ही लाइट वेट हो, अगर ये हैवी हो जाएगा तो इसको हैंग करने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये हुआ मेरा ये पॉट। हाँ तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें एक बहुत बड़ी गलती कर दी। जब मैंने इस कंटेनर में डाला तो सोचा नहीं करके कि ये इतना फीका लगेगा, इतना प्लेन। अब मुझे पता लगे जब प्लांट्स ग्रो हो गए, देखिए कितने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, तो मुझे अब लग रहा है करके कि ये जो कंटेनर है बहुत ही फीका लग रहा है। तो आप लोग ये गलती कभी मत करिए। जब भी आप सोचे कि किसी कंटेनर में डालना है, अगर आपको कुछ आइडिया आता है कि इसमें हमें पेंट कर लो या कोई कलर कर लो, डिजाइन कर लो, तो प्लांट्स लगाने के पहले आप इसको जरूर कलरिंग या कोई भी डिजाइन इसमें डाल सकते हैं। कोई नहीं, मैं अभी आपके सामने इसको डेकोरेट करती हूँ। तो देखिए तो फ्रेंड्स, देर नहीं करते हुए मैं आपको कैसे करते हैं ये थोड़ा सा शो करती हूँ। आप इसे, मैं इसे बैकग्राउंड व्हाइट ही रखना चाहती हूँ। आप चाहते हैं तो फिर इसमें ऑयल पेंट कोई भी कलर, रेड या कोई ग्रीन कलर, ग्रीन मत करिए क्योंकि ये ऑलरेडी ग्रीन प्लांट है। तो आप इससे कॉन्ट्रास्ट में अगर आप रेड कर देते हैं या कोई ऑरेंज कलर या येलो कलर कर देते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ऑलरेडी मेरा ग्रीन के साथ ये व्हाइट कॉन्ट्रास्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इसमें मैं डिजाइन डालूंगी। इसके लिए मैं यूज करूंगी ये कलर, कोई भी कलर ले सकते हैं। तो मैं सोच रही हूँ इसको नहीं, पहले इसको करो। येलो है, इसका भी बैकग्राउंड येलो है तो मैं इसे येलो ही रहने देती हूँ। तो मैं स्टार्ट करती हूँ इस टर्टल वाइन के पॉट से। मैंने ये ब्लैक कलर लिया है। अपने हिसाब से आप कोई भी इसमें डिजाइन डाल सकते हैं, बहुत इजी है। अरे ये तो फंस रहा है कहीं पे, कहाँ से फंस गया। हाँ तो साइड कर देती हूँ, तो साइड कर देती हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा आउटलाइन करती हूँ जस्ट आपको शो करने के लिए। थोड़ा दूर करो। थोड़ा टाइम लगेगा, आप इसमें कोई भी कलर डाल सकते हैं।
हाँ तो ये मेरा आउटलाइन कंप्लीट हो गया, अभी मैं दूसरा कलर करती हूँ। इसके साथ मैं रेड कलर डालती हूँ। सूखने में टाइम लगेगा, नीचे करो, राउंड राउंड कर देती हूँ। तो मैंने ये कंप्लीट कर दिया, अभी थोड़ा सा और थोड़ा सा कुछ करने का मन कर रहा है तो कर देती हूँ ब्लैक। हाँ तो ये कंप्लीट हो गया है, अभी मैंने ये भी कर दिया है, अभी इसको थोड़ा करने के लिए बाकी है। जस्ट आपको, आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा सिंपल वे में करती हूँ, सेम इसको जैसे ही करती हूँ, जैसे कोई आंख बंद करके या तो खुश आप हैप्पी वाला फेस भी बना सकते हैं। तो मैंने अभी थोड़ा सा यही चॉइस किया है कि बना दूँ आप लोग का तो जल्दी इजीली हो जाए, वीडियो भी थोड़ा लंबा ही हो रहा है मेरे ख्याल से। ये हो गया इसके आईलैशेस, अब इसके लिप्स बना रहे थे रेड से। थोड़ी बड़ी ही लो, कोई बात नहीं, इसको छोटा सा बिंदी भी दे देती हूँ। कैसा लग रहा है? हो जाएगा, थोड़ा सा थोड़ा सा आप अपने मुताबिक थोड़ा इसको एडजस्ट करके थोड़ा जैसे आप चाहें वैसे कलर कर सकते हैं। तो ये तीन अभी मैंने कंप्लीट कर दिए, और ये जो मैंने जेट प्लांट लगा रखा है उसको मैं नहीं करती है, ऑलरेडी थोड़ा कलरफुल लग ही रहा है व्हाइट एंड रेड ये दोनों। तो अभी मैं आपको इसको हैंग करके दिखाती हूँ कितना सुंदर लगता है। हाँ तो फ्रेंड्स, मेरा ये वर्क कंप्लीट हो गया है और मैंने इसे एक हैंगर में लटका दिया है। अभी आप देखिए कैसे लग रहे हैं मेरे ये पॉट्स। पहले बहुत फीका था तो मैंने कलर्स कर दिया, ये देखिए मैंने इसमें कुछ आईज जैसे क्लोज है वैसे बना दिए हैं, जैसे गुड नाइट कह रहे हैं इस तरह से बना दिए। तो आप भी ये आइडिया लेकर बहुत सारे ऐसे आइटम्स बना सकते हैं जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट से आप कोई भी यूजफुल चीज बना सकते हैं और अपने प्लांट्स को हैंग कर सकते हैं। हैंग करने के लिए आप कोई भी शॉप से ऐसे हैंगर या कोई भी सामान, जैसे ये तो मैंने हैंग दूसरे कुछ अलग चीज के लिए मैंने इसको बाय किया था, बट मैंने इसको प्लांट होल्डर के रूप में यूज कर दिया है। तो फिर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक्स दीजिए और कमेंट दीजिए। ओके, बाय।